माई चैनल और आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जिनके स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ड्राई या रफ हेयर रहते हैं तो वो कौन सा शैम्पू ट्राई कर सकते हैं और उनके लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ शैम्पूज आपको बताने वाली हूँ, 4 से 5 शैम्पूज हैं जो मैंने ट्राई किए हैं और मेरे भी हेयर पहले रफ और ड्राई ही थे, अभी भी हल्के से रफ और ड्राई रहते हैं कभी कभी। तो ये जो शैम्पूज मैंने पर्सनली ट्राई किए हैं और उसके एक्सपीरियंस पे मैं ये सारे आपको एक एक करके बताऊंगी। और यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट करती हूँ सबसे सस्ते से लेके थोड़े महंगे तक। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है पतंजलि का केश कांति मिल्क प्रोटीन हेयर क्लेंजर और ये वाला शैम्पू बाकी और शैम्पू से ये बेटर है पतंजलि। अगर स्पेसिफिकली पतंजलि का देखा जाए तो ये वाला शैम्पू अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा महंगा शैम्पू नहीं खरीदना है तो ये वाला शैम्पू आप ट्राई कर सकते हैं और ये आई थिंक 95 रुपीज़ में आ जाता है और ये 200 ml का शैम्पू है 95 रुपीज़ में और ये स्पेसिफिकली फॉर ड्राई एंड रफ हेयर के लिए ही है। तो ये वाला आप एक शैम्पू ट्राई कर सकते हैं और लास्ट में मैं ज़रूर बताऊँगी कि मे सबसे बेस्ट शैम्पू ट्राई करने के बाद कौन सा मुझे लगा, तो वो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आते हैं ये पार्क एवेन्यू का बियर शैम्पू है और ये फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है, बट आई थिंक ये इतना ये सिर्फ आपके हेयर को इस बॉयज़ के लिए बेटर है, वुमेंस या गर्ल्स के लिए आई थिंक इतना अच्छा काम ना करे उनके बालों पे। और अगर आप एज अ मैन हैं या बॉय हैं तो आप ये वाला शैम्पू ट्राई कर सकते हैं अपने रफ ड्राई हेयर पर, शायद आपके इससे आपके बाल स्मूद और सिल्की हो जाएंगे। और इवन जो गर्ल्स हैं जिनके छोटे बाल हैं तो वो भी ये ट्राई शैम्पू कर सकती हैं। शैम्पू ये 180 ml का शैम्पू है, 155 रुपीज़ का। फिर नेक्स्ट है ये ट्रेस्मे का शैम्पू जो कि मैंने बहुत आई थिंक 2 से 3 साल मैंने ये वाला शैम्पू ट्राई किया है और मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था लेकिन फिर धीरे धीरे ये क्या होता है कि शैम्पू आप एक ही शैम्पू ट्राई करते रहते हैं एक टाइम के बाद फिर वो शैम्पू इतना काम अच्छा काम नहीं करता है, तो आपको शैम्पू थोड़े चेंज करते रहने चाहिए एवरी ईयर, साल डेढ़ साल बाद शैम्पू को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे ये जो शैम्पू है ये ट्रेस्मे का है और ये स्मूथ एंड शाइन शैम्पू है, इसमें दिस इज फॉर ड्राई और रफ हेयर के लिए है और इसमें विटामिन एच एंड सिल्क प्रोटीन है। तो मैंने ये वाला शैम्पू ट्रेस्मे के अलग अलग वराइटीज ट्राई किए हैं तो मुझे ट्रेस्मे के शैम्पू बहुत अच्छे लगते हैं। ट्रेस्मे के शैम्पू अगर आप इनिशियली ट्राई करते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, तो आप ये वाला शैम्पू भी ट्राई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं ये वाओ का एप्पल साइडर विनेगर वाला शैम्पू जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है और ये उनके लिए बेस्ट है जिनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको सूट नहीं करता है सल्फेट पैराबेन या आप बहुत सेंसिटिव हैं, आपके हेयर बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी टूटने झड़ने लगते हैं, तो आप ये वाला शैम्पू ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये हर केमिकल से फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं और ये एप्पल साइडर विनेगर से बना हुआ शैम्पू है। तो वाओ का स्किन साइंस का आप ये वाला शैम्पू ट्राई कर सकते हैं। मैंने जब इसे पर्सनली इस्तेमाल किया तो मुझे कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा। ये 300 ml का शैम्पू है, 499 रुपीज़ में मिलेगा अराउंड 500 का। नेक्स्ट में मैं ये दिखाने वाली हूँ ये वेला का शैम्पू है, ये मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है और काफ़ी अच्छा शैम्पू है अगर आपके बाल रफ और ड्राई हैं, बट मेरे बालों पे ये जैसा ट्रस्ट में काम करता है उसी तरह से इसने भी काम किया तो मुझे कुछ खास ज़्यादा खास डिफरेंस पता नहीं लगा ट्रस्ट में और इसमें वेला में, वेला प्रोफेशनल। ये मॉइस्चराइजिंग शैम्पू फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर के लिए है और ये 250 ml, ये अगर आपके बालों की क्वालिटी नॉर्मल टू थिक है तो आराम से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 250 ml मुझे अराउंड 500 का पड़ा, नहीं 600 रुपीज़ का पड़ा। तो लास्ट में आते हैं इस शैम्पू के बारे में, ये है बॉडी शॉप का बनाना शैम्पू, ये स्पेसिफिकली फॉर वेरी रफ एंड ड्राई हेयर के लिए है और ये जो शैम्पू है ये 250 ml का है और पड़ेगा आपको 645 रुपीज़ में। तो ये थोड़ा सा हल्का सा कॉस्टली शैम्पू है बाकियों से लेकिन सबसे बेस्ट मेरे बालों पे इसी यही काम कर रहा है, तो इसको यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे ऑयलिंग की भी ज़रूरत है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। तो इसके साथ आप कंडीशनर ज़रूर ट्राई करें, चाहे आप बॉडी शॉप का ही कंडीशनर ट्राई कर सकते हैं या फिर कोई भी दूसरा कंडीशनर भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस शैम्पू के बाद आप सेम इसी बनाना का ही कंडीशनर लगाएं या कोई भी
कंडीशनर लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। और ये वाला शैम्पू मेरे बालों पे बेस्ट है। तो अगर मैं इन सारे शैम्पूज में टॉप रेटिंग में बताऊं कि कौन सा शैम्पू बेस्ट काम किया मेरे बालों पे ड्राई और रफ हेयर के लिए, तो ये वाला शैम्पू सबसे टॉप पे आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।